जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर से न्यूज, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांड ओपिनियन में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी के फिजिकल को लेकर है कि सर एसएससी जीडी फिजिकल में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, क्यों? क्योंकि यही डिपेंड करेगा कि आपकी फिजिकल कट ऑफ कितनी जाएगी। वैसे तो आप सबने इस बार अनुमान जितने भी बच्चों ने लगाया है या जितने टीचर ने भी लगाया, उन सबने एक ही अनुमान लगाया कि इस बार की फिजिकल की कट ऑफ एसएससी जीडी के इतिहास की अब तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ हो सकती है। उसके पीछे रीजन जितने थे उनमें एक रीजन आज आ रहा और जोड़ लीजिए भाई, ठीक है? कौन सा रीजन वो मैं आपको बता देता हूं। आप में से कई बच्चे या कई भी आपने सुना होगा या आप खुद भी बोलोगे सर कि एसएससी जीडी में फिजिकल के लिए क्या 12 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं नहीं, ना ही तो 12 गुना बच्चों को बुलाया जाता है और ना ही बुलाया जाएगा, ठीक है? पिछली बार एसएससी जीडी में लड़कियों की पोस्ट थी लगभग 5000 और उसमें लगभग 40,000 लड़कियों को बुलाया गया था, यानी लगभग 8 गुना लड़कियों को, 5000 से ज्यादा थी, 8 गुना से कम बच्चों को बुलाया गया था। लड़कों को पिछली बार बुलाया गया था 3,24,000 को, जबकि लड़कों की जो पोस्ट थी वो तक लगभग 44,000 के आसपास पोस्टें थी, ठीक है? इस बार जो पोस्टें हैं लड़कों की वो है 23,000 और कुछ पोस्ट, अगर हम इनको 8 गुना के आसपास करें तो लगभग 1,84,000 बच्चों को ही बुलाया जाएगा, ध्यान रखना इससे ऊपर नहीं बुलाया जाएगा। लड़कियों की पोस्ट है लगभग 2,800, अगर हम 8 से गुणा करें तो 24,000 के अंडर, वैसे 3,000 हो तो 24,000 होता है, यानी 22,000 के आसपास लड़कियां। अगर कुल मिला के देखा जाए तो इस बार जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो बुलाए जाएंगे लगभग 2,00,000, कितने गुना? लगभग 8 गुना। पिछली बार बच्चे बुलाए गए थे 3,50,000 और उसके बावजूद फिजिकल की कट ऑफ कहां थी आपको पता? पिछली बार 3,50,000 बच्चे बुलाए थे, 3,50,000 से भी ज्यादा बच्चे, और तब जो फिजिकल की कट ऑफ थी, लेकिन इस बार तो बच्चे उनसे 1,50,000 बच्चे कम बुलाए जाएंगे, और पेपर का जो लेवल है वो भी पिछली बार के बजाय इस बार आसान बताया जा रहा है, तो क्या इस बार कट ऑफ आसमान छुएगी? नहीं, बिल्कुल छुएगी, और कट ऑफ जो सोच नहीं सकते हो सकता है कि वहां तक चली जाए, यानी हो सकता है कि आपकी जो फाइनल मेरिट की कट ऑफ है उसको टच कर दे, क्योंकि पिछली बार 3,50,000 बच्चों को बुलाया गया था फिजिकल के लिए, और तब आपने कट ऑफ देखी होगी पिछली बार वाली फिजिकल की, ठीक है? उसको भी हाईएस्ट बता रहे थे, लेकिन मैं आपको बताऊं 2018 वाली जो कट ऑफ थी ना, 2018 वाली भर्ती कट ऑफ, वो 2023 वाली जो पिछली भर्ती है ना, इससे ज्यादा थी। पिछली बार की भर्ती में मतलब जहां पर मान के चलो कट ऑफ 75 थी, वहां पर 2018 वाली की 81 थी, यानी 6% इससे ज्यादा थी, तो इस बार हो सकता है कि इससे भी ज्यादा कट ऑफ जाए, क्योंकि बच्चे बुलाए जाएंगे मात्र 2,00,000 फिजिकल में, यानी 8 गुना से कम, 26,000 और कुछ पोस्ट हैं, 8 गुना से कम बच्चे, लगभग 7.5 गुना के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। और ध्यान रखना जितने भी बच्चे जिनके अच्छे नंबर है उनको फिजिकल की तैयारी में इसी समय से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन से फिजिकल प्रभावित नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखना फिजिकल की कट ऑफ आते ही आपको डेटे मिल जाएगी, एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, कट ऑफ तो ऊपर जाने के पीछे रीजन ये है कि इस बार फिजिकल के लिए जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो लगभग 2,00,000 के आसपास बच्चे रहेंगे, अंडर 2,00,000 के आसपास बच्चे रहेंगे, 8 गुना से भी कम बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, तो कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। कई रीजन हो गए इस बार इस भर्ती में, एक तो पेपर का आसान, ठीक है, पेपर के लिए अच्छा समय मिला तैयारी करने के, वो रीजन। पिछली बार की बजाय इस बार जो बच्चे हैं उनको 60 मिनट में अच्छी क्वेश्चन अटेंड करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, और पोस्ट ऑफ वैकेंसी कम और फिजिकल के लिए और कम, भाई पहले 10 गुना बुलाते थे अब उसको 8 गुना कर दिया है, तो वो भी एक पंगा। कुल मिला के भाई इस बार मामला टेढ़ा है, समझ गए बात लाडू? तो 8 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे या उससे कम, तो फिजिकल के आंकड़े काफी ऊपर जाएंगे, लेकिन फिजिकल के बाद में फिर आंकड़े पिछली बार की बजाय स्थायी रहेंगे, यानी जो फिजिकल की कट ऑफ आएगी वो ही मेन है कि वो कितनी ऊपर जाती है, उससे फिर आगे की सारी मेरिट क्लियर हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हाईएस्ट मेरिट कितनी जा सकती है, ठीक है लाडू? जय हिंद, जय भारत।